जी महाराज प्रत्यक्ष प्रकट ने आपको क्या छोटा टीका लगा लगा दिया दिदेव चक्षुराचके लंबोदरं परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं ओद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकाय कांतं विघ्नेश्वरं सकलविघ्न हरं नमामि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधवं कांतिः सिता मृषति निंदित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकूलचौरं अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये यो लीलालास्य संलग्नौ गतो लोलोपि लोलतां तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये देवक्यापालितो गर्भे लालितो उनके यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसके इस पावन उत्सव में पावन अवसर पर हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सभी को यह दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। जीव के जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागते हैं, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। अतः इस पावन भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त श्रीमद् भागवत कथा में इस कथा यजमान इस कथा के यजमान हमारे आदरणीय हमारे संजय बाबू मैंने सभी के नाम नहीं लिखे थे शुरू में क्या बात सुनील भैया संजय बाबू तो याद ही है माता जी हमारी आदरणीय माता श्री हाँ आदरणीय माता श्री इंदिरा जैन जी हाँ आदरणीय श्रीमान संजय बाबू
सुनील बाबू एवं रमा जी, शिखा जी, आपका पूरा परिवार आदरणीय, हमारी दीपा दीदी है, हाँ, और इस परिवार के क्या बोलते हैं, जमाई राजा, हाँ, आप जैन परिवार के हमारे कुंवर साहब, क्या बात है, हाँ, आप सभी के साथ हम सब बैठकर यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने बड़ा उद्यम किया श्रीमद् भागवत कथा के लिए, कई महीनों महीने हो गए यह कथा। भागवत जी जल्दी यहाँ पधारें, ऐसा बहुत प्रयास किया गया, कई बार तैयारियाँ बनी, परंतु फिर कोई ना कोई कारण से थोड़ा और भागवत जी ने समय लिया आने के लिए घर में, है ना। अंततो गत्वा ठाकुर की कृपा हो गई है। जैसे कि हमारे सुनील भैया सुबह कह रहे थे कि ये जो कृपा हुई है ये किसी के उद्यम का फल नहीं है, ये जो भागवत जी आपके घर में आज विराजमान है, वे भागवत भगवान आपके यहाँ विराजमान है जो कहीं निकुंज में विराजते हैं, वे भागवत जी आपके यहाँ उपस्थित है जो कहीं शुकताल में, जो जिनकी कृपा बरसती है, वे साक्षात राधा माधव आपके घर में भागवत के रूप में प्रकट हो गए हैं, जो कहीं निधिवन में राधा माधव आनंद करते हैं, रास करते हैं, वो आपके इस सुंदर से निधिवन में आ गए हैं। क्या बाकी तो पता नहीं, पर जहां आपने भागवत जी को बिठा दिया है ये निधिवन से कम तो नहीं लग रहे तिवारी जी, है, तो साक्षात निधिवन ही मानो ठाकुर का आपके यहां उपस्थित है। तो जो प्रातः काल हम बात कर रहे थे सुनील भैया के साथ कि किसी ये उद्यम का फल नहीं है कि आपके यहां भागवत जी आई हैं, ये धन संपत्ति तो बहुतों के होती है, धन संपत्ति का परिणाम नहीं है कि धन के कारण आपने भागवत को बुला लिया है, ये तो ठाकुर जी की कृपा हो गई है इसलिए भागवत जी आपके यहां पर आ गई हैं, क्योंकि बिना ठाकुर की कृपा के भागवत जी का आना संभव ही नहीं है। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक भागवत जी आ ही नहीं सकते। कितने बड़े बड़े धनवान हैं पर भागवत जी धनवानों के यहाँ आ जाती, ऐसी बात नहीं है। भागवत जी तो जब कृपा होगी ठाकुर की तो ही आएगी। तो आज आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा हो गई है, उसी कृपा का फल है कि भागवत जी आपके घर में प्रकट हो गई है। जय हो। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरेद भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आपके पूर्वज प्रसन्न हो गए हैं, आपके पितरों की प्रसन्नता का फल है कि आपके घर में भागवत जी उपस्थित हुई हैं, ठाकुर की कृपा हो गई है, हाँ? इसीलिए आपके पूर्वजों पर कृपा करने के लिए आप सभी के हृदय में बैठे हुए जो ठाकुर जी हैं वो आज तृप्त हो गए हैं, इसलिए भागवत जी यहाँ पर पधारी हैं। अतः हम समस्त जैन परिवार का भागवत पीठ से बहुत अभिनंदन करते हैं। हम इस अनुष्ठान में जो भी सहयोगी हैं सबका हम प्रथम अभिनंदन करते हैं, है? तो आदरणीय हमारी इस परिवार से जो मुलाकात है उसकी जो सूत्रधार हैं वो हमारी दीपा दीदी,
क्या? हाँ, मैं जो रुइया परिवार से जुड़ा रहा, वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई और वहाँ से ये अपने घर ले आई, और फिर आप सबके बीच मेरा इतना बढ़िया परिचय हो गया, और भागवत सुनाता हूँ इसलिए यहाँ भागवत जी आ गई। तो आपका और सभी का हम भागवत में बहुत अभिनंदन करते हैं। आए हुए सभी श्रोताओं का, भक्तिमती देवियों का, माताओं बहनों सभी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आइए, 7 दिनों तक कैसे जीवन में कैसे जिया जाए। जीवन क्या है, ये जिंदगी क्या है, हम सब श्रीमद् भागवत के सानिध्य में ये जीवन क्या है और हम कौन हैं, ये जीवन हमें क्यों मिला है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये सभी श्रीमद् भागवत की शरण में बैठकर हम सब 7 दिनों तक यह सब समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए, ये जीवन क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सभी हम श्रीमद् भागवत की शरण में बैठकर समझने का प्रयास करें। श्रीमद् सबसे पहले ही भागवत के प्रारंभ में श्रीमद् लिखा है। श्रीमद् का मतलब क्या है? श्री किसको कहते हो? श्री का मतलब है लक्ष्मी, श्री का मतलब है राधा, है ना? और उसके बाद है, श्री के बाद लिखा है मद। मद का मतलब क्या है? मद का मतलब है अभिमान, नहीं? कई बार लोग कहते हैं इसको बड़ा मद है, नहीं? तो ये श्रीमद् किसी को रूप का मद होता है, किसी को बल का मद होता है, किसी को धन का मद होता है, किसी को यश का, कीर्ति का, पद प्रतिष्ठा का मद होता है। परंतु श्री जी को, राधा जी को किसका मद है? भगवान का मद है। ये जो भागवत है श्री का मद है। साक्षात जहां पर आनंद कंद पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद राधा माधव जहां विराजमान है, अर्थात ये राधा जी का मद है। ये भागवत जी साधारण नहीं है, भागवत जी ठाकुर जी का, भागवत जी राधा जी का मद है। जैसे आपको किसी चीज का गौरव होता है, किसी चीज का आपको बड़ा एक गर्व होता है, नहीं? ऐसे ही राधा रानी को ठाकुर जी का बड़ा गर्व है। तो भागवत जी राधा रानी का मद है। ऐसी श्रीमद् भागवत, भागवत भगवान का ही स्वरूप है, जहां पर भगवान का निवास है। भगवान कहाँ रहते हैं? भा, गा, वा और ता, ठीक है? भा का मतलब होता है भक्ति, गा का मतलब है ज्ञान इस तरफ है, और वा ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल आवाज ही बंद हो जाएगी नहीं तो। गा का मतलब है ज्ञान, वा का मतलब है वैराग्य, और ता का मतलब है त्याग, थोड़ा ज्यादा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जहां पर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसे भागवत कहते हैं। या फिर ऐसे मान लेना, जिसको सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता है, उसका नाम भागवत है। भागवत सुनेंगे तो हमारे अंदर भक्ति जागेगी, भागवत सुनेगी तो ज्ञान मिलेगा। किस बात का ज्ञान? बिना भक्ति के ज्ञान ना होगा, ठीक है?
भक्ति होगी तभी भगवान क्या है यह समझ पाएंगे, क्योंकि भक्ति ही भगवान से मिलाएगी। ठीक है, अभी आज की कथा में आप सभी लोगों से एक तरह से प्रश्नोत्तर की तरह कथा करेंगे, आप लोग समझते जाना, आप लोग अपने प्रश्न रखते जाना। तो भगवान को जानना है तो भगवान को जानने के लिए भक्ति चाहिए। ठीक है, और जब समझ जाओगे कौन सा ज्ञान चाहिए, जिस ज्ञान से हम स्वयं को जान जाएं, संसार को जान जाएं, और जो हमारा असल में हमारा जो कर्णधार है उसे जान जाएं। ये सारी दुनिया किसने बनाई है, ये अखिल ब्रह्मांड किसका है, ये कौन है जो इस पूरे प्रपंच को चला रहा है, वो जो परमात्मा है उसे समझने वाला ज्ञान चाहिए, वो हमें भागवत में मिलेगा। तो भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान जब हो जाएगा तो वास्तव में संसार क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है, हम कौन हैं, ये सभी ज्ञान होने पर हमारे अंदर अपने पराये का बोध हो जाएगा, तो फिर वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब है संसार में रहते हुए, राग कहते हैं लगाव को, है ना, राग, राग का मतलब है आसक्ति भाई, एक ममत्व, स्नेह, आत्मीयता, उसमें एक 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 मोह, एक एक लोभ, वो जो संसार में है तो वो उसे हम कहेंगे राग, पर अगर उसमें वी लगा दें तो विराग हो जाएगा। संसार में रहते हुए संसार को जो समझ लेता है वो वही वैरागी है, वही वैराग्य है। अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार से जो अलग रहना सीख ले, संसार के संसाधनों में रहते हुए भी उसमें जिसकी आसक्ति ना हो वही वैरागी है। राग को जो समझ ले वो वैराग्य है। तो श्रीमद् भागवत सुनोगे तो आप, हम जब श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और फिर वैराग्य समझ जाएंगे, और जब इन सब बातों को समझ जाओगे तो फिर तपश्चर्या या त्याग हमारे जीवन में आएगा। ठीक है, ये सारे संसार को एक ना एक दिन त्यागना है। ठीक है, हर व्यक्ति जानता है ये जितनी भी दुनिया है, ये जितना भी संसार है, एक ना एक दिन इसे छोड़ना होगा, ये पक्की बात है। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से हम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपश्चर्या और त्याग को समझ जाएंगे। तो चार अक्षरों का भाव है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। जहां भक्ति है, जहां ज्ञान है, जहां वैराग्य है, जहां विवेक है, जहां त्याग है, जहां समाधान है, जहां तपस्या है। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से हमें ये सब प्राप्त होता है, इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप भगवान को मंदिर में देखते हो, भगवान को मूर्ति में देखते हो, यहां ये जो है पत्राकार मूर्ति है,
एक मूर्ति होती है जो पाषाण की है, लोहे की है, कि धातु की है, कि सोने की है, कि चांदी की है। ये जो मूर्ति है भगवान की, ये पत्राकार मूर्ति, ये शब्द ब्रह्म है। यहां भगवान ब्रह्म, भगवान शब्द रूप में विराजमान है, ठीक है। ऐसे भगवान आज आपके घर पधारे हैं, ऐसे भगवान के साथ हमें 7 दिनों तक बैठना है और 7 दिनों में जीने और संसार को जानने की कला सीखनी है, कैसे जिया जाए और कैसे जाग जाए, कैसे संसार को समझ जाए, ये सब हमें 7 दिन तक समझना है। श्रीमद्भागवत के महात्म में आज आप महात्म समझ रहे हैं, है ना। हमारे सुनील भैया की क्या मौसी जी सुबह ही बोल रही थी कि आज तो महात्म समझेंगे, है ना। महात्म का मतलब है भागवत क्या है वो जो बताए, भागवत से क्या मिलता है, भागवत सुनने से क्या हो जाएगा, ये जो जो आपको ये महिमा बताए उससे महात्म्य कहते हैं। भागवत का महात्म्य, भागवत क्या है, भागवत सुनने से आपको क्या मिल जाएगा, भागवत सुनने से क्या हो जाएगा और क्यों भागवत सुनना है, ये जो बताए उसे हम महात्म्य कहते हैं। तो प्रथम ही कह दिया कि भागवत सुनने से आपके अंदर भक्ति आएगी भैया, और जहां भक्ति आ जाएगी वहां भगवान आ जाता है, ये सबको पता है। बिना भक्ति के भगवान नहीं आता, इसलिए भक्ति जहां हो उसका संग करो। आज आप ऐसे भागवत जी का संग कर रहे हो जहां पर साक्षात भक्ति महारानी विराजमान है, जो भगवान से आपको मिला देती है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भगवान की प्रार्थना की गई। भगवान की प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण में सनकादि सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है और वहां सूत जी विराजमान है। ऋषियों ने एकत्रित होकर के सदब्रह्म को याद किया, परमात्मा को याद किया, ब्रह्म को याद किया। मंगलाचरण में आप अपने इष्ट को याद करते हो, है ना। कोई भी कार्य करते हो तो उसके आरंभ में आप परमात्मा को याद करते हो, है ना। तो जिसे आप मानते हो उसे वंदन करते हो। आपके कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए इसलिए आप मंगलाचरण करते हो। मंगलाचरण का मतलब ही है मंगल आचरण, नहीं अच्छे आचरण, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी भगवान के मंगल नाम का स्मरण करते हुए भगवान के मंगल स्वरूप का चिंतन है। भगवान कैसे हैं, आपने जैसे भगवान को देखा, किसी ने राम को देखा, किसी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी कृष्ण के जैसे हैं, किसी ने भगवान शिव को ही देखा, कोई कहता है जो भगवती है वो जो दुर्गा है वही परम तत्व है, किसी ने हनुमान जी को का चिंतन कर लिया, किसी ने अलग अलग अपने अपने देवी देवताओं में जिसकी निष्ठा है उसने भगवान को उस रूप में देख लिया, ठीक है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में ऋषियों ने सदरूप ब्रह्म का चिंतन किया जो परमात्मा सत्य है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में ऋषियों ने जो परमात्मा चेतन है, चिदरूप जो ब्रह्म है, जो स्वयं प्रकाशित है और सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे परमात्मा का चिंतन किया गया। जो परमात्मा सदरूप, चिदरूप और आनंद रूप है। भगवान कैसे हैं, भगवान सत्य है, ठीक है।
क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो भी दिखाई पड़ रहा है ये सत्य नहीं है, ये एक ना एक दिन मिटने वाला है। संसार में जो दिख रहा है वो नाशवान है, जो नाशवान है वो सत्य नहीं होता, जो नष्ट होने वाला है वो सत्य नहीं होता, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जिसका कभी अंत नहीं होता, वही सत्य है। तो भगवान सदरूप है। अच्छा, भागवत के मंगलाचरण में कह रहे हैं कि जो भगवान सत्य है, हम ऐसे सत्य रूप परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, और जो परमात्मा चिद रूप है, जो परमात्मा ज्ञान रूप है, ऐसे भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, और जो भगवान आनंद रूप है। संसारियों में तो कभी थोड़ी देर के लिए ही आनंद मिलता है, पर भगवान तो सदैव आनंद में रहते हैं, है ना। हम थोड़ी देर के लिए भी आनंदित हो जाएं बड़ी बात है, पर भगवान सदैव आनंद में है। आपने कभी भगवान की कभी किसी मूर्ति को देखा कि वो कभी उसमें आनंद ना दिखाई पड़े? कभी भगवान को रोते हुए देखा है आपने? कभी उदास देखा? भगवान सदैव मुस्कुराते हैं, भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। तो जो भगवान आनंद रूप है, जो भगवान चिद रूप है, जो सत्य है, ऐसे भगवान की हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तो वे जो भगवान आनंद रूप है, जो चिद रूप है, जो सत्य परमात्मा है, वो परमात्मा क्या करते हैं? हम उन्हें क्यों प्रणाम करें? कहा कि वो आपके जीवन के सारे ताप मिटा देते हैं, हमारे जीवन के सारे पापों को दूर कर देते हैं। वे जो परमात्मा है, सच्चिद आनंद रूप परमात्मा ही आपके जीवन के सारे पापों से आपको बचाते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सदचिद आनंद रूप भगवान की प्रार्थना की, क्योंकि वो भगवान तीनों प्रकार के ताप मिटाता है, आधी दैविक, आधी भौतिक, आध्यात्मिक, सारे तापों को मिटाता है। अच्छा, वो कैसा है? वो भगवान का रूप तो कुछ होगा। तो बोले कि हमें तो वो कृष्ण के जैसा दिख रहा है। बोले सच्चिदानंद, भगवान कृष्ण ही सच्चिदानंद है। अर्थ है कि भगवान कृष्ण ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही चिद्रूप है, भगवान कृष्ण ही आनंद रूप है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, उस समय देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिशत्यम सत्यस्य योनिम निहितंचा सत्य। भगवान का जब आविर्भाव हुआ है, उस समय देवता भगवान को कहते हैं कि आप ही सत्य हो। ठीक, अर्थात भगवान कृष्ण ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही चिद है, भगवान कृष्ण का नाम ही आनंद है। ठीक है, भगवान का कृष्ण नाम बाद में पड़ा, भगवान का आनंद नाम पहले पड़ा। किसी ने कहा कि भैया आप कहते हो कि जो परमात्मा जन्म और मरण से परे है वो सत्य होता है, सत्य कौन है?
जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, पर हम तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। काकि वो तो भगवान के भक्तों ने भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए वो उत्सव मनाया, पर भगवान का जन्म नहीं हुआ। तो काकि फिर जन्माष्टमी में तो सब लोग मनाते हैं। काकि देखो उस समय तो भगवान का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए, इसलिए तो आप लोग गाते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, भय प्रगट कृपाला। तो भगवान प्रकट हुए हैं, नहीं भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ, माता जी आप लोग तो हर वर्ष जन्माष्टमी आदि में दर्शन करते होगे कि भगवान जब प्रकट हुए तब उस समय लोगों ने क्या गाया है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर, प्राकट्योत्सव पर कैसे गाते हैं लोग, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का जब प्राकट्य होता है उस समय सभी लोग भगवान को कहते नंद घर आनंद भयो। मतलब ये है कि जिस भगवान जो यशोदा के यहाँ जिनका प्राकट्य हुआ है उन वही आनंद है। तो सच्चिदानंद, तो भगवान कृष्ण ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही चिद है और भगवान कृष्ण ही आनंद है। तभी तो यशोदा के यहां पर गाने लगे कि नंद घर आनंद भयो। तो मतलब भगवान कृष्ण ही आनंद रूप है, इसीलिए यहां गाया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के तापों को मिटा देने वाले हे आनंद रूप ब्रह्म, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद की प्रार्थना करते हुए हमारे समस्त पाप ताप मिटा देने वाले हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। मंगलाचरण में प्रार्थना किया और फिर मंगलाचरण के आगे अपने गुरुदेव को याद किया, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। जीवन में इस जीवन को समझने के लिए कोई गुरु चाहिए। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की हो या वैराग्य, बिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा। और गावा ही वेद पुराण, सभी वेद पुराण ये कहते हैं कि जब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तब तक तुम सुखी नहीं होगे। और वो जो सुख है वो सुख कहाँ है, जिस सुख की खोज में हर जीव भटक रहा है, वो सुख जहाँ मिलता है वो सुख का केंद्र क्या है वो गुरु बताता है। सुखी होने के तरीके गुरु बताता है, सुखी होने की विधा गुरु बताता है, वो जो ज्ञान दे देता है, जीने की कला सिखा देता है वो गुरु होता है ना।
संसार के भटकाव से जो बचा लेता है, आपको बढ़िया सुंदर सा तरीका बता देता, भैया यदि सुखी होना है तो ऐसे जियो, वो गुरु है। तो बिन गुरु होय की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, बिना गुरु के सुख संभव नहीं है। क्योंकि संसार में सुख नहीं है, हम ढूंढ संसार में रहे हैं, परंतु संसार से कहीं दूर सुख है। अच्छा, संसार में रहते हुए भी यदि सुखी होना है तो क्या करें, ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। संसार में रहते हुए सुखी होने का क्या तरीका है कि इस संसार में रहें और सुखी भी रहें। किसी ने कबीर दास को देखा, कबीर दास रो रहा था, कबीर रो रहे थे। किसी ने कहा तू क्यों रोता है, कबीर ने कहा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। आपने सुना होगा ये दोहा, नहीं? तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोई पाटिन के बीच में साबुत बचाना कोए। कबीर देखता है आकाश धरती की ये बीच में सब लोग पिस रहे हैं, वो देख देख करके रोने लगा। वो सभी इसके इस बीच में पिस रहे थे, इस बात को देख करके रो रहा था। एक संत ने कहा तू क्यों रोता है, कहा भाई ये दशा देख के रोता हूं, संसारियों की दशा देख के रोता हूं। संत ने ये देखा और आगे गड़े, आगे जाकर के कबीर के बेटे से मिले। कबीर के बेटे का नाम था कमाल, आपने सुना होगा। तो कमाल हंस रहा था, कमाल नाच रहा था। संत ने कहा कि तेरा पिता तो रो रहा है, तू क्यों हंस रहा है, तुझे ऐसा क्या मिल गया है जिसके कारण तू मुस्कुरा रहा है, जिसके कारण तू आनंद कर रहा है। तेरा पिता कहता है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, मैं इस चक्की को देख के रो रहा हूं, ऐसा तेरे पिता का पिता के लिए दुनिया कहती है, तुझे क्या ऐसा मिल गया जो तू मुस्कुरा रहा है, तू नाच रहा है। उसने कबीर के बेटे ने थोड़ी बात को सुधार करके कह दिया, बात समझ में आ रही है ना। कबीर के बेटे ने कह दिया कि चलती चक्की चलने दे, क्या चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, और कील पाटी यदि लगे तो बाल नवा का होए। क्या उसने कहा कि देखो चक्की चक्की चलती है तो जो चक्की चलती है वो नीचे चक्की में दो पार्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा है ना। तो नीचे वाला जो पार्ट है ना, वो फिक्स होता है, स्थिर होता है ना, और ऊपर वाला उसकी उसमें घूमता है। तो चक्की के बीच में एक कील होती है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है उस कील में फंसा होता है, और फिर चक्की घूमती है उस कील के सहारे घूमती है। यदि कील ना हो तो बताओ घूमेगी। कमाल कहता है चलती चक्की चलने दे पिस पिस आटा होए, मतलब उसने कहा भैया ये जो चक्की चल रही है चलने दे, तुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले कि मैं क्या करूं, मैं कबीर की मानूं कि कमाल की मानूं। उसने कहा कमाल की बात थोड़ी बड़ी कमाल की है, कमाल जो बात कहता सच में कमाल की ही कहता है। क्या कह दिया उसने, उसने कहा कि वो जो कील है ना, तू उससे सट जा। वो जो कील है जिसमें चक्की का ऊपर का पार्ट फंसा हुआ है, उसका तू संग कर। क्या होगा उसका, कहा कि जब आप चक्की में जब अनाज डालते हो, चक्की घूमती है, सब पिस जाता है, पर जो अनाज का दाना वो चक्की की कील में सट जाता है, चक्की 24 घंटे चलती रहती है, वो नहीं पिसता। बात समझ में आई,
ऐसे ही ये संसार है भैया, इस संसार की ये चक्की चलती रहेगी। इस संसार में रहते हुए भी संसार का जो कील है, संसार को चलाने वाला जो परमात्मा है, वो कोई भी हो सकता है। आप उसे कृष्ण कह दो, आप उसे राम कह दो, आप उसको हनुमान कहो, गणेश कहो, महावीर कहो, बुद्ध कहो, है? आप उसी को कभी उसी परमात्मा की आराधना ओम मंगलम ओम कार मंगलम से करो, है? कभी ओम नमो अरिहंतारम कहो, कभी आप उस परमात्मा को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप जिस भाव से पुकारो वो है वही। जिसने जिस भाव से पुकारा है वही जो जगत का कील है, वो जगत का नियंता है, जगत का जो परमात्मा है, जो जगत का मालिक है, वो वैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो वो जो परमात्मा है वो देखो, वो जो कमाल कहता है कि तुझे अगर बचना है तो वो जो जगत पिता है उससे तू सट जा, उससे तू संबंध जोड़ ले। तुम संसार में रहते हुए अगर उस जगत नियंता का संग करोगे तो संसार भले पिसता रहे, संसार में जो हो रहा है होने दो, तुम संसार में रहते हुए संसार के मालिक का संग करो तो आप वहां उसी संसार में रह करके सुखी हो जाओगे। यही सुख है, यही दुख है। सुखी होने वाले यही सुखी हो जाते हैं, दुखी होने वाले यही दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख की कल्पना हमारी स्वयं की है, हम सुख और दुख के निर्माता खुद हैं। अर्थात संसार में सुखी होना है तो इस संसार में जो सुख देने वाला ब्रह्म है उसका चिंतन करो, जो सुख देता है उसका चिंतन करो। और अगर उससे बाहर गए, अगर उस संसार को चलाने वाली, जैसे हमने कहा वो जो कील है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से दूर हो गए तो इस संसार का नाम दुखालय है। यहां दुख ही दुख है। यहां यदि आप सुख ढूंढो परमात्मा से अलग होकर के तो कभी नहीं मिलेगा। संसार का नाम ही असार है, असारहा असारे संसारे दुख रूपी विमोह कहा। इस संसार में जहां भी आप ढूंढते हो केवल दुख ही दुख है। यदि संसार में सुख चाहिए तो सुख देने वाला केवल परमात्मा है। इस संसार में रहते हुए उसको नहीं भूलना, वो सुख रूप ब्रह्म है, वो सुख रूप परमात्मा है, उसका चिंतन करते चलो तो आप संसार में रहते हुए परम आनंद में रहोगे, है ना। कदली शन्निभो लोकाः सारम यश्च न विद्यते। आप केले के खंभे के परत को हटाओ माता जी, वो पत्ता गोभी होती ना रसोई में, तो उसकी पत्ता गोभी का एक पत्ता निकालो तो क्या उसके अंदर सार मिलेगा कि दूसरा पत्ता ही मिलेगा, है? तो पत्ते के अंदर पत्ता ही है, उसके अंदर तीसरा पत्ता है। जितने पत्ते हटाओगे पत्ते ही पत्ते मिलने वाले हैं। संसार में हम सुख ढूंढते हैं महाराज, सुख के लिए एक परत हटाओ फिर दूसरी परत मिलती है। ठीक है, तो हमें इस संसार में संसार में सार नहीं है। संसार में रहते हुए जो इस संसार का मालिक है उससे जुड़े रहोगे तो आप यहीं जहां बैठे वहीं सुखी हो जाओगे। और वो जो सुख है, वो जो शांति है, वो कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, का उसके लिए गुरु की कृपा हो। वो तरीका आपको गुरु बताएगा।
तो श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भगवान सच्चिदानंद की प्रार्थना की और दूसरे श्लोक में भगवान सद्गुरुदेव की प्रार्थना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आहाहा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। भगवान सुखदेव जी को याद किया, परम गुरु को याद किया। आज बढ़िया कथा के आरंभ में हमने पहली बार ऐसे सुखदेव जी देखे हैं। हाँ, आपकी ये कथा तो पहले दिन ही सार्थक हो गई। मिश्रा जी, आपने कभी देखा इतने बढ़िया सुखदेव जी बढ़िया कंधे में बैठ करके बढ़िया भागवत जी के चारों तरफ घूम रहे? हमने ज्यादातर सुखदेव जी को पिंजड़े में ही देखा है, पर आपके घर में तो सुखदेव जी बढ़िया कंधे पर बैठे हुए हैं हमारे संजय भैया के। है? क्या बात है। ऐसे सुखदेव जी ये परम गुरु हैं, ये गुरु नाम गुरु है? ऐसे गुरु को याद किया है और उसके बाद नैमिषारण्य की पावन भूमि। आप सुबह बात कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत की ये कथा सर्वप्रथम कहां आरंभ हुई? नैमिषारण्य पावन सुंदर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम नैमिषारण्य है। नैमिष है ना, जहां पर हमारा मन शांत हो जाए उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। भगवान नारायण ने एक चक्र छोड़ा, वो चक्र जाकर के उस चक्र में जो वो एक नेमी होती है ना, चक्र जो उसमें जो एक चक्र के चारों तरफ जो वो बिंदु बने होते हैं उसको नेमी कहते हैं, और जो कटीले कांटे जो चक्र में है ना उसको नेमी कहते हैं। तो वो भगवान का चक्र भगवान ने जब छोड़ा, जाकर के भटकते भटकते जिस स्थान पर जाकर के रुक गया, तो वो जहां पर नैमी रुक गई चक्र की, वो चक्र स्थित हो गया, उसी को नैमिषारण्य कह दिया। दूसरा भाव है कि ये मन भी ये चंचल मन है, जहां पर हमारा मन स्थिर हो जाए उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। आज आपका मन यदि यहीं पर शांत हो गया है, एकांत हो गया है, एकाग्र हो गया है, भागवत की कथा सुनने के लिए आपका मन यदि आज एकांत लग गया है तो ये भी आपके लिए नैमिषारण्य से कम नहीं है। आप सभी लोग नैमिषारण्य में बैठे हैं साहब, ठीक है? तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में देखो, जब मन अच्छा होता है, जब मन शांत होता है तो प्रश्न भी अच्छे होते हैं, वहां बातें भी अच्छी होती हैं, वहां जिज्ञासा भी अच्छी होती है। नहीं, अच्छे लोगों के साथ में बैठते हो तो बातें भी अच्छी करते हो। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में संत बैठे हैं, सोनक इत्यादि संत इकट्ठे हैं, 88,000 ऋषि हैं। उन 88,000 ऋषियों ने, उनमें जो परम ज्ञानी है सूत जी को प्रणाम किया और सूत जी की प्रशंसा करने लगे, सूत जी का वंदन करने लगे, सूत जी का अभिनंदन करने लगे, सूत जी की इतनी प्रशंसा करी, कहने लगे अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतां गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। कृष्णप्राप्तिकरं सस्वत साधनं तदवदाधुना। आहा, यहां सभी ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए, पहले प्रशंसा करी कि हे सूत जी, आप बड़े ज्ञानी हो। कितने ज्ञानी हैं? कहा कि करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश है वो संसार में करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाए, वो प्रकाश भी आपके ज्ञान के समक्ष वो फीका पड़ जाए। आप इतने बड़े ज्ञानी हो कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी आपके ज्ञान के समक्ष मलिन है। आपके ज्ञान का जो वैभव है, आपके ज्ञान का जो प्रकाश है, वो ऐसा अद्भुत है कि जिसका करोड़ों सूर्य भी सामना नहीं कर सकते। सूर्य जब प्रकट होता है तो क्या करता है? वो अंधकार मिटा देता है। माता जी, सूर्य निकलते ही क्या होता है? अंधेरा मिटता है। पर जब संतों के ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है तो जीव का अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है। सूर्य बाहर के अंधकार को मिटा सकता है, पर सूर्य हमारे हृदय के अंधकार को नहीं मिटा सकता। पर गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु आपके हृदयगत अंधकार को मिटा देगा, है ना? तो सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप परम ज्ञानी हैं, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप कृपा कर दीजिए, हमें कथा सुना दीजिए। सूत जी ने कहा कि क्या करोगे कथा सुनकर? कहा, कथा सुनकर के जो हमारे जीवन में व्यथाएं हो गई हैं, हम संसार में थक गए हैं। क्या? संसार में थक गए हैं। तो कथा थाक को मिटाती है, कथा व्यथा को मिटाती है। आप कथा को उल्टा पढ़ो, थाक। इसलिए कथा सुननी है क्योंकि कथा हमारी थाक मिटा देगी, कथा हमारी व्यथा मिटा देगी। इसलिए आप हमें कथा सुना दो। सूत जी ने कहा, कौन सी कथा सुननी है, कैसी कथा सुननी है? कहा कि जो कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करे, ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो। ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट कर देने वाली कथा सुनाइए। और कैसी कथा सुननी है? कहने लगे, जिस कथा को सुनने से भगवान मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। ऐसी कथा सुना दीजिए जिस कथा को सुन करके हमारे अंदर भगवान आकर बैठ जाए। आप लोग चाहते हो कि भगवान बैठे, है? तो वही बात ऋषियों ने सूत जी से कही, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा के सुनने से ठाकुर जी आकर हमारे हृदय में बैठ जाए। हमें वो वाली कथा सुना दीजिए जिस कथा को सुनने से भगवान कृष्ण मिल जाए, संसार मिल जाए। ये कथाएं तो संसार में बहुत सुन लोगे भैया, पर भगवान मिल जाए
ये कौन सी कथा है? कहा यही भागवत है। भागवत रूपी कथा सुनोगे तो भागवत भगवान से मिलाएगी, ठीक है। सब लोग अलग अलग तरीके की कथा सुनना चाहते हैं। कई बार कहीं तो लोग हमको कहते हैं कि आप तो कथा में चुटकुले सुनाओ। हमने कहा चुटकुले क्या करोगे सुन के? चुटकुले सुनना है तो रात में बढ़िया टीवी लगाना, बहुत चुटकुले आते हैं। है? चुटकुले ही सुनने हैं तो भागवत की क्या जरूरत है? कई बार लोग कहते हैं ऐसी कथा ऐसा सुनाओ जिसमें बिल्कुल नाच पड़े। हमने कहा नाचने के लिए तो अलग रंगमंच होते हैं, ये तो अज्ञान को मिटाने वाली, ज्ञान प्रदान कर देने वाली, कृष्ण से मिलाने वाली, ये ज्ञान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है ये। हाँ, श्रीमद् भागवत क्या है? ज्ञान यज्ञ है। इस कथा से ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? कहा जीने का ज्ञान, कैसे जिया जाए, कैसे कैसे जान लिया जाए हम कौन है, इस बात को जान लिया जाए, इस कथा से वो मिलता है। तो ऋषियों ने कहा हमें वो कथा सुना दो। अच्छा, यहां मिलता सब है, जिसे जिस तरह की कथा सुननी है वहां वैसा मिल जाएगा। दुनिया में हर तरह के श्रोता हैं, कई श्रोता आज की ऐसी परिस्थिति है जहां ऐसे ऐसे श्रोता हैं कि उन्हें ज्ञान और वैराग्य से लेना देना ही नहीं है। आज तो लोगों में एक भाव आ गया है कि वो थोड़ा ढोल और थोड़ा नाच गाने हो गई कथा बस। आप जानते हो, पर कथा बहुत अलग है। कथा तो व्यथा को मिटा दे जो वो होती है। यहां लिखा हुआ है कि जो कथा हमारे कानों के माध्यम से हृदय में उतर जाए और हृदय में भगवान को प्रसन्न कर दे, हमारा हृदय तृप्त हो जाए और हृदय में भगवान बैठ जाए, है ना। हमारे कानों के रोग को मिटाने वाली कथा सुनाओ। कई तरह के रोग होते हैं, नहीं, कानों के रोग भी होते हैं। इन कानों ने जिंदगी में इतना कुछ संसार के प्रपंच को सुन लिया है कि कान रोगी हो गए हैं, नहीं। तो कानों का रोग कैसे मिटे? जैसे संसार में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें बड़े बड़े दाग लग जाते हैं, तो उन कपड़ों के दाग को मिटाने के लिए क्या करते हो? कपड़ों के दाग मिटाने के लिए बढ़िया ड्राई क्लीन में भेज देते हो का? सच कह रहे? हाँ, बढ़िया ब्लीचिंग कर देते हो, कपड़ों को साफ हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो जीवन है, इन कानों ने इतने प्रपंच सुन लिए हैं जीवन भर। अब इन कानों को शुद्ध करना है, नहीं। जैसे आपकी सुनील भैया गाड़ी बहुत दिनों से चलते चलते वो इतना चल गई है कि अब उसको सर्विसिंग चाहिए, नहीं। इन कानों ने इतने प्रपंच सुन लिए हैं कि अब इनको सर्विसिंग चाहिए। इनकी सर्विस कैसे करोगे? कहा अब इन कानों को 7 दिन कथा सुना दो, सब शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। इतने प्रपंच संसार के सुने हैं इन्होंने कि अब इनको बढ़िया कथा रस पिला दो। जैसे रसायन पी लेते हो तो बीमारी मिट जाती है। शिखा जी गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ, जैसे जैसे साल भर में एक आध बार पूरा टेस्ट कराते हो अपना, नहीं। पूरा फुल बॉडी टेस्ट करा लेते हो हॉस्पिटल में जाके, और फिर बढ़िया जो जो चाहिए वो मिल जाता है। ऐसे ही साल भर में, 2 साल में बढ़िया जब समय मिले भागवत से पूरा अपने आप को शुद्ध कर लो। क्या बात है! तो श्रीमद् भागवत ये जो कथा है, इसका रसायन हमें तो ऐसा रसायन पिला दीजिए जिस भागवत रसायन को पी करके हम जीना सीख जाएं। अभी जी तो रहे हैं पर कैसे जीना है ये पता ही नहीं। बहुत लोग जीवन जी रहे हैं पर जिए जा रहे हैं। जीने में और जी लेने में बड़ा अंतर है।
है? जीना जीना एक एक कला है, आनंद पूर्वक कैसे जिया जाए वो कोर्स है ये भागवत। तो ये कानों का रसायन है भागवत। क्या है? कानों का रसायन है, कानों की दवाई है, कानों की औषधि है। जैसे आँखों के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हो और भगवान को आँखों में बसाकर अपने हृदय में उतार लेते हो, नहीं? हाँ, भाव से समझना। बढ़िया, आपने ठाकुर के दर्शन किए और पलक बंद हो गई, नहीं? अच्छा, आंखों में कान में थोड़ा अंतर है। आंख में तो भगवान ने थोड़ा पलक दे दी है, मतलब ये झपक जाती है। कान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये पूरे दिन खुला है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो है जो ठाकुर के दर्शन करके ठाकुर से ठाकुर को हृदय में उतारता है, ये एक आंख रूपी इंद्री, और ये कर्ण रूपी इंद्री है जो गोपी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरीडितम कलम शापहम श्रवण मंगलम। ये जो हमारे कान हैं, इन कानों के माध्यम से ठाकुर जी की सुंदर कथा को जब हम हृदय में उतार लेते हैं तो ठाकुर जी फिर हृदय में स्थिर हो जाते हैं। आंख के द्वारा देखकर ठाकुर को आप हृदय में उतार लेते हो और कान के द्वारा उनकी उनको सुन करके उतार लेते हो। कई गोपियां हुई जिन्होंने ठाकुर के दर्शन किए और दर्शन करके ठाकुर जी को हृदय में उन्होंने स्थापित कर लिया, हृदय में बसा लिया और वो उनकी हो गई। पर आप रुक्मिणी को देखो, रुक्मिणी ने पहले ही मंगलाचरण में पहले श्लोक में कहा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण वतामते। मैंने आपको अपना पति बना लिया है। कहा कैसे बना लिया, तुमने मुझे देखा तो है नहीं। कहा देखा नहीं तो क्या हुआ, हमने तुमको सुना है। क्या? रुक्मिणी कहती है मैंने आपके गुणों को सुना है ठाकुर जी, आपके गुणों को सुन करके मैंने अपने हृदय में आपको देख लिया है। हम कई बार ठाकुर जी के को सुन करके उनको देख लेते, कैसे हैं नहीं, कई बार देखते बाद में हो, पहले ही करते हो। अच्छा, किसी को देखना हो, किसी वर को देखना हो, कन्या को देखना हो, किसी की चर्चा चली तो पहले तो हम केवल सुनते हैं कि वो कैसा है, नहीं? उसका रूप बताया जाता है, कानों से हम सुन लेते, अच्छा तो बढ़िया है, ऐसा रूप है। आंखें बाद में देखती, कान पहले सुनते हैं। ये जो कान है, ये कानों के माध्यम से ठाकुर को हृदय में उतारना है। इसलिए कहते हैं हमारे कानों के रोग को मिटा देने वाली सुंदर ठाकुर की कथा सुना दो, ऐसी कथा सुना दो इन कानों से सुने और वे भगवान हृदय में हमें दिखाई पड़ जाएं। तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। हे ऋषियों, हे सूत जी, आप हमें वो कथा सुनाओ जिससे कृष्ण मिल जाए। और कहने लगे देखो आप गुरुदेव हैं, देखो एक चिंतामणि होती है, आप लोगों ने चिंतामणि का नाम सुना हो। चिंतामणि का मतलब है भैया कि ऐसी मणि कि आपके हाथ में है, आपने चिंतन किया जो वो मणि आपको वह दे दे, जो भी आपने उस मणि से चिंतन किया वो वह दे दे, उसे चिंतन चिंतामणि कहते हैं। तो कहने लगे कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि चिंतामणि तो जो चिंतन करोगे वो देगी, पर गुरु की कृपा अगर हो जाए तो गुरु तो वो दे सकता है जो चिंतामणि के भी बस में नहीं है, क्योंकि चिंतामणि आपको मुक्ति नहीं दे पाएगी।
चिंतामणि भगवान से नहीं मिला पाएगी, परंतु चिंता तो जो काम चिंतामणि भी नहीं कर सकती वो गुरुदेव कर देते हैं, वो महापुरुष करते हैं, वो सत्संग में मिल जाता है, वो ज्ञानियों के यहाँ मिल जाता है। इसलिए हे ऋषियों, हमें तो आप श्रीमद् भागवत की ऐसी पावन कथा सुना दो, यहाँ भागवत की ना कहते हुए केवल का वो कथा सुना दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। अच्छा वो कथा सुना दो कि हमारा हम जन्म मरण से बच जाएं, हम मरना नहीं चाहते। अच्छा आप स्वयं विचारो, कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहता कोई? कोई नहीं चाहता। मैं कहीं सुन रहा था, एक मैया जो है वो थक गई थी, संसार में लोग थक जाते हैं, तो थकी हारी मैया एक बार बोली, भैया देखो ये यमराज भी बड़ा अनोखा है। कहा क्या किया? कहा सबको ले जा रहा है, ये मेरे पास क्यों नहीं आता, मुझे ले जाता तो अच्छा रहता। परिवार से थक गई होगी, उसने कहा कि यमराज मेरे पास नहीं आता, कदाचित मुझे ले जाए तो बहुत अच्छा। उसी बीच में यमराज आ गया। यमराज ने कहा मैया चलो, तो उसने कहा कि कहाँ चले, कौन हो तुम? यमराज ने कहा तूने अभी अभी याद किया यमराज आता नहीं मुझे लेने, तो मैं आ गया। तो मैया ने कहा तुम यमराज हो? कहा हाँ। तूने अभी अभी कहा तो मैं आ गया, तो चलो अब चलते हैं। उसने कहा देख भैया मैं मजाक कर रही थी, बाद में आना। मतलब कोई नहीं मरना चाहता, कोई। ऋषियों ने कहा कि हम मरना नहीं चाहते। सूत जी ने कहा यदि तुम मरना नहीं चाहते तो मरने से जो बचा लेती है वो वाली कथा सुनो तुम। कौन सी कथा मरने से बचाती है? तो काल ब्याल मुख ग्राश त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवतम, काल के गाल से बचा लेने वाली यदि कोई कथा है वो श्रीमद् भागवत है, है? जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो सुन लेता है, जो श्रीमद् भागवत रूपी रसायन इन कानों के माध्यम से पी लेता है, वो फिर मरने से बच जाता है। फिर उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता। कहा फिर क्या होता है? कहा कि वो मरता नहीं है। कहा क्या होता है? कहा वो तर जाता है, क्योंकि जो आया है उसे जाना है। नहीं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर, जो आया है उसे जाना है। आहाहा, कैसे जाएं? यदि मरने से बचना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनोगे, ये कथा तुम्हें तार देगी, बचा लेगी। काल के गाल के ग्रास से बचा करके भगवान के चरणों में आपको वो शरणागति प्रदान कर देने वाली ये पावन कथा है, बड़ी अनोखी है, बड़ी उत्तम है। कहा ये कैसे मिलती है, इसके लिए कितना पैसा लगता है? कहा ये पैसे से नहीं मिलती, आपके पास होगा अरबों खरबों रुपया, पर ये पैसा से नहीं मिलती। अच्छा तो फिर ये बड़े बड़े जो राजा महाराजा होंगे उनको मिलती होगी? कहा नहीं नहीं, राजा महाराजाओं को तो और भी नहीं मिलती। नहीं, राजा महाराजाओं को तो और डर लगा रहता है कि अगर मैंने भागवत कर दी, यदि मैं भागवत करूंगा तो जो भागवत के विरोधी हैं वो लोग वोट नहीं देंगे। वो लोग तो और नहीं, और डरते हैं। कहा ये राजा महाराजाओं को भी नहीं मिलती। अच्छा तो रूपवानों के लिए मिलती, जो बड़े सुंदर होते होंगे? कहा नहीं नहीं नहीं,
ये श्रीमद् भागवत की कथा तो आपके पर आपके पूर्वजों की कृपा से मिलती है, है? हम कहा करते हैं भैया कि धन बल से बड़ा तन बल होता है। माता जी आपके पास बहुत धन है समझ लो, पर अगर अगर हमारे पास धन बहुत है तो फिर वो धन किस काम का होगा जब हमारा तन ही ठीक नहीं है। तो धन बल से बड़ा तन बल होता है, नहीं? अच्छा तन भी अच्छा हो पर मन गड़बड़ हो तो भी कथा नहीं सुन पाओगे। तन बढ़िया है आपका, बड़े स्वस्थ हो पर मन गड़बड़ है, मन आपका तन तो कथा सुनने बैठा है और मन किसी पिक्चर देखने चला गया तो भी ये कथा काम नहीं आएगी। तो तन बल से बड़ा मनोबल होता है। और मन भी बढ़िया है पर बुद्धि में कुतर्क है, है कि सब कुछ तो बढ़िया है परंतु अरे अभी तो ये बाकी है वो, बुद्धि कुतर्क अगर कर रही है तो भी मन नहीं लगेगा, तो भी काम नहीं बनेगा, तो भी कथा सुन पाना कठिन हो जाएगा। तो धन बल से बड़ा तन बल, तन बल से बड़ा मनोबल, मनोबल से बड़ा बुद्धि बल, बुद्धि बल से बड़ा तपोबल, कर्म का बल, और तपोबल से भी बड़ा है यशोबल, यश का बल, यशोबल से बड़ा है भगवान की कृपा का बल। तो भगवान की कृपा के बिना भागवत सुन पाना असंभव है। तो भगवान की जो कृपा हुई है इसलिए आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे। गाइए, मन में है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन रूप निहार करूं, मन मोहन रूप निहार करूं, मन मोहन रूप भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखार करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरति भव्य उतार करूं, नित आरति भव्य। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे। गाइए, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे, जय राम रामा रामा, जय राम रामा। हाँ रामा जी गाएगी राम रामा, जय राम रामा रामा, जय राम रामा रामा, जय राम, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु, जय सद्गुरु सद्गुरु, जय सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु, जय सद्गुरु सद्गुरु,
जय राम 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 जय राम 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 जय शिव शिव जय शिव 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 जय शिव 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 जय शिव 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे बोलिए लाडली सरकार की। तो ये भगवान की कृपा का परिणाम है, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। श्रीमद् भागवत को कोई खरीद नहीं सकता, श्रीमद् भागवत का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। यदि मूल्य चुका के कहें कि हम श्रीमद् भागवत की का मूल्य देते हैं, श्रीमद् भागवत जी हमारे यहाँ आ जाएं, तो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति भी भागवत जी को खरीद नहीं सकती। का आप कैसे कह सकते हो? का हम थोड़ी कहते हैं। कहा ये उदाहरण दे देते हैं आपको, कहाँ है, क्या उदाहरण है? कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने सुखदेव जी आए, उस समय देवताओं को पता चला कि राजा को मरने का श्राप लगा है, तो चलो राजा को कथा सुनाई जा रही है, हम भी चलते हैं, भागवत सुन लेते हैं, तो कुछ लेके जाना चाहिए, फ्री में नहीं जाना चाहिए। क्या भागवत जी के पास जाओ, भागवत सुनने जाओ, तो कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करो। भले वो आप तुलसी का पत्ता भागवत जी को अर्पण कर दो, पर खाली हाथ ना जाओ। ऐसा ऐसा संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ठीक है। सत्संग में राजा के यहाँ और कहीं गुरु के यहाँ अगर आप जाते हो तो खाली हाथ ना जाओ। भले वो आप एक तुलसी पत्ता ही ले जाओ, एक फूल ही ले जाओ। तो देवताओं ने सोचा कि चलो भागवत सुनने जा रहे हैं, कुछ लेके जाना चाहिए, क्या ले जाएं? कहा चलो बढ़िया बढ़िया अच्छा उपहार ले जाते हैं, तो सुखदेव जी हमको कथा सुनाएंगे, क्या ले जाएं? तो महाराज देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेके आए, अमृत ही ले आए, और अमृत लाकर के राजा को दिया। कहा कि राजन तुम इस अमृत को पी लो, और इसके पीने से तुम मरोगे नहीं, तुम्हें श्राप लगा है मरने का, जब अमृत पी लोगे तो फिर मरोगे नहीं। तो राजा ने सुखदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव, ये क्या आश्चर्य है? आप तो हमको सुंदर कथामृत सुना रहे थे, ये तो सुधामृत ले आए। सुखदेव जी ने कहा, राजा तू आज तेरा भाग्य खुल गया, एक तरफ सुधामृत है तेरे पास, एक तरफ तेरे पास कथामृत है, तुझे कौन सा अमृत पीना है बता दे। राजा ने कहा, दोनों में दोनों का महत्व क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि राजा, एक जो सुधामृत है ये तुझे दीर्घजीवी बनाता है, बड़ा लंबा जीवन देता है, बड़ा थोड़ी तेरी लंबी उम्र हो जाएगी, तू मरेगा नहीं अमृत पीने से। और कहा कि कथा रस पीने से क्या मिलेगा? बोले कथा रस पिएगा तो कथा तुझे दिव्य जीवी बनाएगी, कथा सुन लेने से तेरा जीवन बड़ा दिव्य हो जाएगा, तू दिव्य जीवी बन जाएगा, कैसे जीवन जीना है वो तू जान जाएगा, जितना भी जीवन है वो मंगलमय हो जाएगा, जितना भी तेरा जीवन है वो आनंदमय हो जाएगा, अब तू ही बता दे तुझे कौन सा अमृत पीना है। सुखदेव जी से राजा ने कहा, क्या अमृत पी लेने से संसार के झंझावात मिट जाएंगे? क्या अमृत पी लेने से समस्याएँ मिट जाएंगी? कहा नहीं नहीं, ये समस्या, ये जो संसार की जो झंझटें हैं ये तो कथा पीने से दूर होगी, अमृत पीने से नहीं होगी। क्योंकि हमने तो पूरे जीवन भर सुख पाने के लिए, झंझटों से मुक्ति पाने के लिए, समस्याओं से बाहर आने के लिए क्या क्या नहीं किया है? आप समझ रहे हैं, झंझटों से बचने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, पर आप बताओ आज तक समस्या मिटी है? और बढ़ती गई, और वो सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं किया जीवन में,
सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, जो नहीं था वो इकट्ठा करते गए, सुख मिल जाए उसके लिए क्या क्या नहीं करते गए, पर अभी तक सुख नहीं मिला है ना, और समस्या बढ़ती गई। तो क्या करें कि हम सुखी हो जाएं? कहा कि अमृत सुख नहीं देगा, अमृत तो तुम्हें और थोड़ा ज्यादा जीवन दे देगा, पर अमृत समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समाधान भगवान की कथा है। हमें तो आप ये सुंदर जो दिव्य जीवन बना दे ऐसी पावन कथा सुना दो। राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन बड़ा भाग्यशाली है तू, तूने श्रीमद् भागवत के लिए अमृत को ठुकरा दिया। सुखदेव जी ने राजा देवताओं को देवताओं के अमृत का सौदा नहीं किया, क्योंकि देवताओं ने कहा कि आप हमें कथा सुना दो और राजा को अमृत पिला दो, क्योंकि ये अमृत पी लेगा तो मरेगा नहीं, और ये आप कथा तो इसलिए सुना रहे हो कि मरे ना, या फिर मरे तो मुक्ति मिल जाए। कहा कि तुम्हारे अमृत में यही तो समस्या है कि तुम्हारा अमृत जीवन ज्यादा दे सकता है पर मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति तो भागवत ही दे सकती है। राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा जीवन नहीं चाहिए, जितना भी जीवन हो वो बड़ा आनंदमय हो वही चाहिए। हमें जितना परमात्मा ने जीवन दिया है वो बड़ा आनंद से ओतप्रोत हो, बस वो जीवन मिल जाए। राजा ने जब ये बात कही, छोड़ दिया, अमृत को ठुकरा दिया। महाराज आज की आज देखो, भागवत के लिए राजा परीक्षित ने अमृत को त्याग दिया, और हम भागवत के लिए एक दिन का काम नहीं छोड़ पाते क्या? बुरा नहीं मानना, भागवत तब हृदय में बैठेगी, तब समझ में आएगी जब राजा परीक्षित की तरह आप ऐसा त्याग कर भागवत जी की शरण में बैठोगे। हम ये नहीं कहते कि सभी काम धाम त्याग दो, पर कम से कम 3 घंटे के लिए सब त्याग सकते हो चाहो तो। 3 घंटे के लिए मुझे लगता है मोबाइल छोड़ा जा सकता है, 3 घंटे आप अन्यथा मत सोचना, 3 घंटे के लिए बाकी काम थोड़ी छोड़ के बाद में कर लेना, कोशिश की जा सकती है। आप लोग विचार ना करना, आजकल मोबाइल तो आप कथा को रिकॉर्डिंग के लिए भी लेते हो। हम इसलिए आपको ये नहीं कहेंगे कि आप मोबाइल बिल्कुल रखो मत, है? हमारा मतलब है कई बार 3 घंटे में हम कई काम कर लेते हैं, उनको इस थोड़ा बाद में करना। राजा परीक्षित ने तो कथा के लिए अमृत को त्याग दिया भैया, तभी तो महाराज राजा परीक्षित को इस कथा ने परमात्मा से मिलवा दिया ना। तो श्रीमद् भागवत ऐसा अनमोल साधन है जिसको अमृत भी जिसका मूल्य नहीं कर पाया। कहने लगे, तो ये श्रीमद् भागवत जो है ये इसका उद्गम क्या है, ये किसने सुनाई, किसने सुनी? कहा, ये श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के मुखार बिंद से प्रकट हुई। जैसे भागवती गंगा, जैसे जैसे गंगा मैया भगवान नारायण के चरणों से निकली है, नहीं ऐसे भागवती गंगा है ये जो गंगा है ये भगवान के मुख से निकली है। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, ये गंगा भगवान के मुख से निकली है। वो गंगा, उस गंगा में स्नान करने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है जहां वो गंगा बहती है, और इस गंगा में गोता लगाने के लिए आप जहां संकल्प कर देते हो, जहां विचार कर लेते हो, जहां आप प्रणत हो जाते हो, जहां अभिनंदन करते हो, ये भागवत इतनी सरल है कि ये वहीं बहकर के आ जाती है। आज ये गंगा आपके घर में आ गई, उस गंगा में गोता लगाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। क्या कानपुर में है? नहीं, हाँ कानपुर के कौन कौन है? हाँ जी, कानपुर वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, यहां हम जहां कथा सुना रहे हैं वहां कानपुर वालों का वर्चस्व है। तो वहां गंगा मैया है, अर्थात हरिद्वार है, प्रयागराज है ना।
तो जहाँ जहाँ पर गंगा मैया बह रही है, अगर गोता लगाना है, आनंद करना है, वहाँ जाना पड़ेगा। अर्थात थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, थोड़ा उद्यम करना पड़ता है, पर ये भागवत इतनी सहज हो जाती है जब आप संकल्प कर देते हो कि आपके घर में आ जाती है और घर में ही आपको स्नान करा देती है। क्या तो 7 दिन के लिए ये गंगा आपके घर में आ गई है आपको स्नान कराने के लिए। वो जो गंगा है तन को पवित्र करती है, और ये जो गंगा है ये मन को पवित्र करती है। उस गंगा में गोता लगाने के लिए हमें वहां जाना है, और इस गंगा में गोता लगाने के लिए यहीं बुला लेना है। आज आपने बढ़िया अपने घर में ही बुला लिया, क्या माता जी का मन हुआ और ये भागवती गंगा आपके घर में ही आ गई है, और अकेले सभी को बढ़िया ये स्नान करा रही है। हाँ क्या बात है। अच्छा एक मजे की बात है, वो जो गंगा है ना उसमें जब आप जाते हो, हरिद्वार गए हो, प्रयागराज हरिद्वार, तो वहाँ जब आप गंगा जी में गोता लगाते हो तो वहाँ पर प्रतिबंध होता है, वहाँ रस्सियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ रोक होती है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, आगे जाओगे तो बहने का डूबने का डर है। नहीं, उस गंगा में सतर्क रहना है, ज़्यादा गहराई पर नहीं जाना है, सावधान रहना है, और इस गंगा में जितना गहराई तक उतरोगे उतना ही आनंद आना है। यहां प्रतिबंध नहीं, जितना गहराई पर जाओ उतना आनंद है यहां। इसलिए ये भागवती गंगा है, भगवान से मिला देने वाली ये भागवती गंगा है। क्या बात है। ऐसी ये गंगा मैया साक्षात भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुई भागवत जी है? महाराज ऋषियों को तृप्त करती है। कहते 7 दिनों में ये कथा सुनना कब से आरंभ हुआ, किसने 7 दिन में कथा सुनी और किसने सुनाई। कहने लगे देखो ये श्रीमद् भागवत की कथा ये जो 7 दिनों का नियम है ये नारद जी ने सुना और सनकादि ऋषियों ने सुनाया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाइयों ने सुनाया और नारद जी ने सुना। कहने लगे कि अच्छा वो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई हैं वो तो एक जगह रहते हैं, कहीं जाते नहीं। आपको पता है नारद जी कहीं एक जगह रुकते नहीं। अब विचार करो कि जब नारद जी कहीं रुकते नहीं और एक कहीं जाते नहीं, नारद जी केवल एक गाय के दोहन काल के समय ही एक जगह रुकते हैं, तो ये कथा 7 दिन एक जगह कैसे हो गई। ऐसा योग कब बना, संयोग कब बना। कहने लगे एक बार की बात है, जब कोई बात सुननी होती है लोग कहते हैं एक बार की बात है, नहीं कि कदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, नारद जी एक बार बद्री विशाल में, आप बद्री नारायण गए हों अगर तो बद्री नारायण की तलहटी में, बद्री नारायण की गुफाओं में नारद जी भ्रमण करते करते जा रहे थे। तो थोड़ा इस तरफ घुमा दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए। हाँ 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 हाँ, जय हो जय हो, अब ठीक है। हाँ तो नारद जी विशालापुरी में बद्री नारायण के दर्शन करते हुए वहां से दौड़े हुए जा रहे थे। तो नारद जी सदैव भजन कर रहे हैं, पर आज पहली बार नारद जी उदास हैं, भगवान का भजन नहीं हो रहा है।
हाथ में वीणा है और कहीं भागे हुए जा रहे थे। सदैव जो भगवान का भजन करते रहते थे आज उदास भागे जा रहे थे। तो रास्ते में ऋषि मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार भाई। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछ लिया, हे नारद जी, आज आप भजन नहीं कर रहे हो, आज आप उदास लगते हो, आज आप ऐसे लग रहे हो जैसे आपका किसी ने धन छुड़ा लिया हो, कांतिहीन लग रहे हो, जैसे किसी के पास बहुत सारा धन हो और कोई रास्ते में छुड़ा ले तो उसकी जो दशा होती है, आप वैसे लग रहे हो, क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि नारद जी कुछ बोले ही नहीं, उदास खड़े रहे। सनकादि ऋषियों ने कहा, देखो, संसार की चिंता को मिटाने के लिए संत होते हैं, पर जब संत चिंता करने लगे तो संत तो फिर संसार की चिंता कौन मिटाएगा? संत का मतलब मालूम है क्या है? सा प्लस अंत, अर्थात जो समस्या का अंत करे उसे संत कहते हैं। जो समस्या का अंत कर दे वो संत है, पर जब संत ही चिंतित होगा, संत ही समस्या से युक्त होगा तो चिंता संसार की कैसे मिटेगी, बताओ? कहने लगे, किस बात की चिंता है, क्या कारण है, क्यों उदास हो? तो नारद जी अपनी सच्चाई बताने लगे। नारद जी ने कहा कि अहम तो पृथ्वीं या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनं एवमादिसु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। यदि आप आनंद से सुनोगे तो भागवत के श्लोक बड़े प्यारे लगेंगे आपको। भागवत के श्लोक सुनना, बहुत सारे पाप ताप मिट जाएंगे। नारद जी ने कहा, मेरे दुख का कारण मैं आपको बताता हूं। क्या है दुख का कारण? ये केवल नारद का ही दुख है, नारद की ही समस्या है, ऐसी बात नहीं है। ये संसारी मात्र की समस्या है, जो संसारियों की समस्या थी वो नारद जी ने इन ऋषियों को बताई। कहने लगे, मैं धरती में भ्रमण करने गया तो धरती पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं पर मुझे सुख नहीं मिला, कहीं पर मुझे आनंद नहीं मिला। हर व्यक्ति दुखी है, क्या कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई धन के कारण दुखी है, किसी का मन दुखी है, किसी का तन दुखी है, हर तरह से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई ना कोई जीवन में समस्या बनी है। कहने लगे, मैंने संसार के दुखों को मिटाने के लिए प्रयत्न, भारत भूमि में बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां पर मैं सुख और शांति ढूंढने गया पर वहां पर मिला नहीं। तीर्थों में सुख शांति नहीं मिली, धर्म के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद में आश्रमों में गया, वहां पर भी शांति नहीं मिली, वहां से भागा। फिर मैं गृहस्थियों के यहां गया, वहां तो मिली होगी, वहां तो धर्म होगा, का वहां भी नहीं मिला, का वहां क्या हुआ? कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नांच कलकनम। न तीर्थों में सुख मिला, न आश्रमों में मिला,
और न गृहस्थियों के यहां मिला। कहा गृहस्थियों के यहां सुख तो है, कहा कि नहीं नहीं, जहां धर्म है वहां शांति है, जहां धर्म है वहां सुख है। अब गृहस्थियों में धर्म नहीं रहा, वो जो धर्म की राय बताने वाले माता पिता होते थे, जो गृहस्थी अपने माता पिता से बड़े बुजुर्गों से धर्म का ज्ञान सीख करके जीवन जीते थे, अब कलिकाल के कारण संसारियों ने माता पिता से राय लेना बंद कर दिया है। ध्यान से सुनना। अच्छा, किससे राय लेते हैं? तो कहा कि अब गृहस्थ में आते ही गृहिणी तरुणी अर्थात अपनी श्रीमती जी से राय लेते, माता पिता को नहीं पूछते। जब से विवाह हो गया तो माता पिता की फिर पूछ नहीं होती, फिर तो जो श्रीमती जी जैसा चलाती फिर वैसा चलना पड़ता है गृहस्थियों में, मैंने ये देखा। हम ये नहीं कहते कि आज लोगों में ये है, भागवत में लिखा है कि उस समय नारद जी ने गृहस्थियों के यहां ऐसा देखा और ऋषियों ने पूछा सो उनको बता दिया कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा कन्या विक्रयिणो लोभात दंपतेनां च कल्कनम। विवाह के बाद माता पिता का मान सम्मान नहीं रह गया, जैसा श्रीमती जी आदेश देती हैं वैसा ही लोग करते हैं, ठीक है। तो उस समय ऋषियों ने पूछा चलो बढ़िया ठीक है गृहस्थ में, हाँ बैठिए बैठिए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, हाँ गृहस्थ आश्रम में आने के बाद चलो माना कि गृहिणी की बात सुनी जाती है, तो जब कोई बड़ी बात होती होगी अच्छे काम करने होंगे तब तो माताजी से पिताजी से सलाह लेते होंगे ना। कहा कि नहीं नहीं, उस समय ऐसे लोग नहीं थे आज के जैसे हमारे संजय जी सुनील भैया जैसे, पहले नहीं थे, पहले नहीं थे ऐसे लोग, उस समय नहीं थे, आज इतने प्यारे हैं कि माताजी ने कहा मुझे कथा सुननी है, महाराज सुनील भैया ने संजय भैया ने कहा नहीं आपको कथा यही घर में सुनाएंगे, क्या बात है। ये जो माता पिता का मान सम्मान है आज के बच्चों में, कहने लगे ये उस समय कलिकाल के प्रभाव के कारण लुप्त हो गया था। तो गृहस्थियों में भी शिष्टाचार नहीं रहा, गृहस्थियों में इसलिए शांति नहीं है, गृहस्थियों में भी सुख नहीं मिला। नारद जी कहते हैं कि मैं सुख और शांति की खोज करते करते तीर्थों में आश्रमों में गृहस्थियों के यहां सब जगह घूमता रहा पर ना शांति मिली ना सुख मिला ना आनंद मिला। तो मैं भाग गया, कहां गए है? बोले मैं वृंदावन गया सुख शांति की खोज करते करते, संसार में जब शांति नहीं मिली तो मैं वृंदावन गया शायद वहां मिल जाए। नहीं, कई बार आज भी यही समस्या है, संसार में जब शांति नहीं मिलती घर परिवार में शांति नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं फिर कहीं तीर्थों में ढूंढते हैं, नहीं वरना यदि चाहे तो यही मिल जाए पर हमें घर परिवार में नहीं मिलती, हम फिर तीर्थों की ओर जाते हैं यहां मिलेगी। नारद जी वहां गए कहा कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे क्या मिलेगा, क्यों ये मन वृंदावन जाना चाहता है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी संग राधिका प्यारी, बांके बिहारी संग राधिका प्यारी, बांके बिहारी संग राधिका प्यारी, बांके बिहारी संग राधिका प्यारी। नैना नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। यमुना जी का निर्मल पानी, यमुना जी का निर्मल पानी, अरे गोता गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन में वो शांति मिल गई जो दुनिया में कहीं नहीं मिली थी, संसार में कहीं शांति नहीं मिली, वृंदावन में राधा रानी सरकार के गीत गाए और वो परम शांति मिल गई। अब यमुना के तट से जा रहे थे, यमुना पुलिन से निकल के जा रहे थे, वहां नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खड़ी हुई थी, वो बड़ी सुंदरी थी,
वो थोड़ा चिंतित थी, उसकी कई सुंदरियां उसकी सेवा कर रही थी और उसके बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे। नारद जी ने वो सब देखा और जब आगे बढ़ गए तो उसने नारद जी को पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। वो भक्ति महारानी, वो उस युवती, वो सुंदरी पुकारने लगी, हे साधु थोड़ा रुको, आपके दर्शन करने से मुझे शांति मिली है। जो नारद जी शांति की खोज कर रहे हैं, सुख की खोज कर रहे हैं, उन नारद जी के दर्शन किए और उस युवती ने, उस देवी ने नारद जी को कहा, थोड़ा ठहर जाओ, आपके दर्शन करके मुझे शांति मिली है। नारद जी थोड़ा रुक गए। नारद जी ने आकर के उस देवी से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरौ। अहम भक्ति इति ख्याता, उस युवती ने, उस देवी ने, उस सुंदरी ने कहा, हे संत शिरोमणि, मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे बगल में जो वृद्ध पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य नाम है, और ये जो सुंदरियां मेरी सेवा कर रही हैं ये कोई यमुना है, कोई गंगा है, कोई सरयू है, कोई क्षिप्रा है, कोई नर्मदा है, कोई कावेरी है, कोई ताप्ती है, ये सभी नदियां रूप बना के आई हैं। अच्छा, तो ये सभी देवियां मेरी सेवा क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये भगवान को पाना चाहती हैं। मतलब बोलियो, हाँ, ये मेरी सेवा क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलता, तो मुझे पाकर के भगवान से मिलना चाहती हैं, इसलिए सब सेवा करने आई हैं। नारद ने कहा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? भक्ति ने कहा कि मेरे दुख का कारण ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य, मुझे कोई दुख नहीं है। और केवल ये भक्ति की बात नहीं है, हर मां की ये समस्या है। भक्ति तो थोड़ा आगे खड़ी है, वो कह रही है, पर ये दुनिया की हर मां की समस्या है। हर मां यही कह रही है कि मेरे बच्चे सुखी रहे, है ना। भक्ति कहती है कि मैं एक बार दुखी हो जाऊं चल जाएगा, पर मेरे बच्चे सुखी रहे। नहीं, कोई मां नहीं चाहती कि बच्चे दुखी हो, मां चाहती बच्चे सुखी हो, बच्चे आनंद में रहें। तो भक्ति का दुख है कि ज्ञान वैराग्य बीमार है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। नारद ने कहा यह कैसे कुयोग बन गया कि तुम युवती हो, तुम युवा हो, तुम तरुणी हो और तुम्हारे बेटे बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मैंने पहली बार देखा, मां वृद्ध होती है, बच्चे थोड़ा युवा होते हैं, नहीं, पर ये उल्टा है। तो भक्ति कहने लगी कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गता। भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटका क्षेत्र में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे मान सम्मान मिला और जब मैं गुजरात गई तो मैं बूढ़ी हो गई, और मैं अकेली नहीं, मेरे बच्चे भी ऐसे, बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता रहा, मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए,
अब अपने बच्चों को लेकर के वहां से मैं भागी, कहां भाग के आई, बोली मैं वृंदावन आ गई। तो वृंदावन आते ही मैं तो युवती बन गई, मैं तो युवा बन गई, मैं तो सुंदरी बन गई, मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे बच्चे आज भी वृद्ध हैं, बीमार हैं। मैं वृद्ध हो जाऊं चल जाएगा, पर मेरे बच्चों को ठीक कर दो। क्या हर मां यही कहती है? हम इस प्रसंग पर ये याद आता है, कई बार जब ये प्रसंग आता है तो मुझे याद आता है कि आज तक जितनी माताएं पत्रिका लेके आई होगी हमारे पास, किसी माता ने अपने लिए कुछ नहीं पूछा, हर माँ ने बच्चे की बात करी। नहीं, हमारे बच्चे सुखी रहें ऐसा उपाय बताओ। भक्ति भी यही कह रही है, मैं बीमार होऊंगी चलेगा, पर मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मेरे बच्चे सुखी रहें। हमारी माता बैठी है सामने, क्या यही कहती, बच्चे सुखी रहें। नहीं, क्या बात, हर माँ ये कहती है। वही बात भक्ति भी तो कह रही है कि मैं युवती हूं, कोई बात नहीं, मैं वृद्ध हो जाऊंगी चलेगा, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की बीमारी मिट जाए। नारद जी ने ध्यान लगा के देखा, नारद से भक्ति ने कहा कि मैं युवती हो गई पर मेरे बच्चे क्यों युवा नहीं हुए, कारण क्या है? नारद ने कहा, देवी हे भक्ति महारानी, ये कलिकाल का प्रभाव है। कलिकाल में भक्ति का आश्रय तो हर व्यक्ति ले लेता है, पर कोई भी ज्ञान वैराग्य को नहीं चाहता। वृंदावन में भक्ति बहुत है पर ज्ञान वैराग्य की कमी है, क्योंकि केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान मिल जाते हैं, उन्होंने इतना रास्ता पा लिया है और ये निश्चय कर लिया कि जब केवल भक्ति से भगवान मिल जाने तो कौन झंझट करे। मिश्रा जी, तो ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है, और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति तब प्रसन्न होगी जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्वक भक्ति करोगे। भक्ति करोगे तो भक्ति भगवान से मिलाएगी, पर भक्ति प्रसन्न तब होगी जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्वक भजन करोगे। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, ज्ञान से परे है, ज्ञान के बिना मनुष्य में और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। मनुष्य में क्या है, ज्ञान ज्यादा है, नहीं तो खाते पीते मौज उड़ाते तो पशु भी, खाना पीना सो जाना इतना तो पशु भी करता है, पर मनुष्य में पशु में अंतर ही तो यही है कि मनुष्य ज्ञानी है, और ज्ञान से परमात्मा मिलेगा, ज्ञान से आप तत्व को पाओगे। तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, इसलिए ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर के भक्ति करोगे तो भगवान मिल जाएगा। ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, भक्ति रो रही है। नारद जी से कहती है, आप मेरे बच्चों को ठीक कर दो, कोई दवा बता दो, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने ध्यान लगाया, नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, ये जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं ना, इसका कारण कलयुग है, कलिकाल के कारण ही तुम्हारे बच्चे बीमार हैं। तो भक्ति ने कहा कि कलयुग यदि ऐसा दुष्ट है, तो कलयुग राजा परीक्षित के यहां गया था, राजा परीक्षित से मिला था, यदि इतना दुष्ट है तो फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया? तो महाराज नारद जी कहने लगे, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, पर एक बहुत बढ़िया गुण है, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम इस कलयुग में अगर अवगुण बहुत है तो एक बढ़िया गुण है भगवान का नाम बहुत बढ़िया जय हो। जो सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े सत्कर्म का फल होता था वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर के जीव को मिल जाता है। इसीलिए कलयुग पर कृपा करके राजा परीक्षित ने छोड़ दिया एही कल काल न साधन दूजा एही कल काल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा तप व्रत पूजा राम ही सुमरिया गाइए राम ही राम ही सुमरिया गाए ही राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही संतत सुनिय राम गुण गाम ही कलयुग के वल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा गाइए कलयुग केवल नाम आधारा मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा गाइए सुमिर नर उतर ही पारा का वही नर पावही भवारा गावही नर पावही भवथारा मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 प्रभु का प्यारा नाम राधे श्याम राधे श्याम प्रभु का प्यारा नाम राधे श्याम राधे श्याम संतन हितकारी नाम सीताराम सीताराम
सीताराम संतन हितकारी नाम सीताराम सीताराम भक्तों का दुलारा नाम सीताराम सीताराम भक्तों का दुलारा नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि कलयुग में ये बड़ा अद्भुत गुण है कि जीव भगवान के नाम नाम की नौका पर बैठ करके भवसागर पार हो जाता है। भगवान के नाम की नौका का आश्रय लेकर भाव से पार हो जाता है ना। ये अद्भुत गुण है कलयुग में, इसलिए परीक्षित ने छोड़ दिया। हजारों अवगुण हैं पर एक अद्भुत गुण था, तो भक्ति ने चरण पकड़े, कहा कि प्रभु मेरे बच्चों को ठीक करो, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, जैसे मैं युवती हो गई हूं मेरे बच्चों की बीमारी मिटा दो, कोई दवा कर दो। संतों की शरण में जाओगे तो संत जो है ऐसी औषधि बताएंगे कि भाव से पार हो जाओगे। भाव सागर चाह पार जो पावा भाव सागर चाह पार जो पावा राम कथा आता कहाँ दृण नावा राम कथाता कहाँ दृढ़ नावा। ये कथा भाव से पार कराने वाली है, है? ये भाव सागर है और इस भाव सागर से पार कराने वाली ये भागवत कथा है। संसार के बंधनों से मुक्त करके और उन्मुक्त ब्रह्म से जोड़ने वाली है ये कथा। रोगों से मुक्त करके परम योग में कर देने वाली है ये कथा। नारद जी ने कहा है हे भक्ति महारानी तुम चिंता ना करो, तुम भगवान की प्रिया हो। अरे भक्ति का आश्रय लेकर के तो दुनिया वाले भगवान से मिल जाते, फिर तो ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनकी भी औषधि मिल जाएगी। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए, उनकी बीमारी मिटाने के लिए, उनका वृद्धत्व मिटाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए। वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, कानों में मंत्र पढ़े। पर जितनी देर तक नारद जी ज्ञान वैराग्य के कानों में मंत्र पढ़ते हैं उतनी देर तक ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही मंत्रोच्चार बंद होता है फिर से बीमार अचेत हो जाते हैं। चेतना तब तक है जब तक कानों में सुंदर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और जैसे ही वो भजन बंद होता है, जैसे ही वो चिंतन बंद होता है फिर से अचेत हो जाते हैं। अब नारद जी भी ना समझ पाए तो भक्ति महारानी ने जब हाथ जोड़ के प्रार्थना करी जयति जयति मायां यस्य काया धवस्ते
वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि। भागवत के श्लोक बड़े प्यारे हैं। इन श्लोकों को 7 दिन तक सुनते रहो, कानों का रोग मिट जाएगा। भक्ति महारानी ने नारद से कहा कि हे नारद जी, मैंने सुना है कि जिसको नारद मिल जाता है उसके वो भगवान उसको मिल ही जाता है, क्योंकि नारद जी का नियम है कि जो नारद से मिला नारद उसे भगवान से मिला देता है। क्या बात है। भक्ति ने कहा कि आप ध्रुव आपसे मिला तो ध्रुव को आपने भगवान से मिला दिया, प्रहलाद आपसे मिला आपने प्रहलाद को भगवान से मिला दिया, आज मैं आपको मिली हूं, मेरे भी दुख को मिटा दो। नारद जी ने कहा हे भक्ति महारानी, चिंता ना करो। क्या करूं? का चिंतन करो। किसका करूं? का ठाकुर जी का चिंतन करो, वही तुम्हारे दुख मिटाएंगे, संसार में कोई मिटाने वाला नहीं। नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम चिंता ना करो, चिंतन करो। जिन ठाकुर जी ने द्रौपदी पर कृपा करी, जिन ठाकुर जी ने पांडवों पर कृपा करी, ऐसे परमात्मा का तू चिंतन कर देवी, तेरे भी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय उसने पुकारा ठाकुर जी को, तो भगवान द्वारिकाधीश वहीं पर वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए। क्या ऐसे ही तुम भी पुकारो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। आहा, भक्ति महारानी नारद के चरण पकड़ती है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए बड़े प्रयत्न किए। क्या बात, हम तो बड़े खुश हो गए। जय हो। आज तो आपके घर में हम पहली बार प्रत्यक्ष सुखदेव जी को देख देख के गदगद हो रहे। बड़ी बड़ी कथाएं करी पर प्रत्यक्ष सुखदेव जी ऐसे कथा में भ्रमण करेंगे पहली बार ही देखा है। क्या मिश्रा जी, जय हो, जय हो। नारद जी ने बड़े प्रयत्न किए, कहीं जब समाधान नहीं मिला, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। तो नारद जी को लगा कि सत्कर्म क्या है, अब इतना कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं मिला तो सत्कर्म क्या है। नारद जी को जब यह पता नहीं हुआ तो सनकादि ऋषियों के पास पहुंचे। सनकादि ऋषि कहते हैं क्यों चिंता करते हो? कहा नारद जी ने कि सत्कर्म क्या है इसलिए चिंता कर रहा। तब नारद जी से सनकादि ऋषियों ने कहा कि श्रीमद भागवत की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद भागवत कथा क्या है? सत्कर्म है, सबसे उत्तम कर्म है। श्रीमद भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। और सनकादि ऋषियों ने ही गंगा के तट पर सुंदर नारद जी को यजमान बना के बढ़िया कथा सुनाई और ज्ञान वैराग्य के नाम से कथा हुई। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के लिए जब कथा हो रही थी उस समय सनकादि ऋषि सुना रहे थे, तब तक तो कोई नहीं था, परंतु जब भजन करने लगे कि निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे,
राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। यहाँ बढ़िया भजन चलने लगा और बढ़िया चलता ही रहा, बहुत बढ़िया। जब कथा आरंभ हुई थी तब एक ही श्रोता था, केवल नारद जी। ऋषि कथा सुनाने लगे, पर जंगल में जब सबको पता चलने लगा, जब ये संकीर्तन जंगल में गूंजने लगा, लोगों ने सुना निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जब अद्भुत संकीर्तन हो रहा था, ऋषि दौड़ के आने लगे और जहाँ ज्ञान वैराग्य के हेतु कथा हो रही थी, समस्त ऋषि वृंद एकत्रित हो गए। आनंद से वहां पर महाराज जय जयकार होने लगी और भागवत की ऐसी कृपा हो गई कि भक्ति ज्ञान वैराग्य यमुना के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा के प्रभाव से दौड़े हुए आए और बढ़िया नाचने लगे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 घनश्याम से मिला दे राधे 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 घनश्याम से मिला दे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 और निकुंज में, ये निकुंज में ही बैठे हैं तो निधिवन में आनंद तो अब बरसना है 6 दिन तक और। तो आप सब लोग पधारो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो और सबको खबर करो, आनंद से आइए कथा सुने। आज प्रथम दिन की आरती उतारते हैं। ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए मैं तो सोच रहा था, देखिए माता जी का कितना बढ़िया संकल्प है कि वे तो कह रही थी मुझे घर में ही सुना दो हमारे, चलो संजय बाबू ने सुनील बाबू ने प्रयास किया यही करें, तो हमको लगा घर घर के ही सब यही यही सुनेंगे। ये तो हम आनंद कर रहे हैं, बताओ कानपुर से, कानपुर से ना, कानपुर से हमारे क्या पूरा नाम बाबू जी का,
आहा, आदरणीय श्री गोपाल अग्रवाल जी पधारे हैं। बहुत अभिनंदन आपका, भागवत में स्वागत है। हमारे आपकी मौसी जी नहीं, अच्छा आप, आपकी मौसी जी, हाँ हाँ बड़ा, आहा आदरणीय माता श्री इंदिरा देवी जैन जिनकी अनुज, हाँ हाँ जिनकी भगिनी बहन, हाँ आदरणीय संतोष जी है ना, दालमिया जी, आहा हा जय। अच्छा एक मजे की बात है, ये हमारे क्षेत्रीय है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी मध्य प्रदेश है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, पन्ना से, और उसके बगल में है आपका शहडोल है, हम तो आपके पड़ोसी है। जय हो, बहुत अभिनंदन, और आए हुए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का बहुत बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, आइए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारे जाऊं, देख छवि बलिहारे जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, निशदिन तेरा ध्यान लगाऊं, निशदिन तेरा ध्यान लगा, जय जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हम भक्तों के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन
मोहन जीवन धन हो। सो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, जय जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, प्यारे हनुमान जी की आरती उतारूं, प्यारे हनुमान जी की आरती उतारूं, हे गण राजा तेरी आरती उतारूं, हे गण राजा तेरी आरती उतारूं, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारूं, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारूं, मैया जगदम्बे तेरी आरती उतारूं, मैया जगदम्बे तेरी आरती उतारूं, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारूं, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, मैया जगदम्बे तेरी आरती उतारूं, मैया जगदम्बे तेरी आरती उतारूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं।